समय आप देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की खास खबर, खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी, आप देख रहे हैं इस समय मगध संवाद। आज की ताजा और बड़ी खबर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। बिहार के हड़ताली नियोजित शिक्षकों की हड़ताल समाप्त करने की अब आसार दिखने लगी है। पहल शुरू हो चुका है, अब कब हड़ताल टूटता है इसको लेकर आइए जानते हैं विशेष खबर, खास रिपोर्ट, खास खबर। नियोजित शिक्षकों के हड़ताल समाप्ति के बन रहे हैं आसार। बिना टेबल वार्ता के हड़ताल समाप्ति की संभावनाओं की तलाश। काम पर लौटने वाले शिक्षकों का स्वागत करेंगे शिक्षा मंत्री। तमाम दंडनात्मक कार्रवाई की वापसी के दे रहे संकेत। सूबे में लाखों शिक्षकों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल की समाप्ति के आसार बन रहे हैं। यह आसार कोरोना वायरस के बचाव को लेकर राष्ट्रव्यापी आपदा की स्थिति के मद्देनजर बन रहे हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आमने सामने की सीधी वार्ता के बिना हड़ताल कैसे समाप्त हो, इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही है। लेकिन इस बात से साफ संकेत मिल रहे हैं कि हड़ताल समाप्ति के साथ ही हड़ताली शिक्षकों पर हुई तमाम दंडात्मक कार्रवाई वापस ली जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन की स्थिति में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई है तो हड़ताली शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ टेबल पर वार्ता कैसे संभव होगी। वैसे भी मुख्यमंत्री के लिए अभी कोरोना वायरस से राज्य को बचाने की बड़ी जवाबदेही है। कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे कार्यों और उनकी मॉनिटरिंग से वर्तमान में मुख्यमंत्री के लिए समय निकाल पाना मुश्किल है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बेगूसराय में है। वर्तमान स्थिति में फिलहाल बेगूसराय से उनका पटना आना संभव नहीं है। हालांकि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रजनंदन शर्मा तथा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का प्रस्ताव उन्हें मिला है। शिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने कहा है कि आपदा की वर्तमान स्थिति में शिक्षकों का हड़ताल पर बने रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, यह उनके लिए दुखदायी है। आपदा की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर शिक्षक हड़ताल समाप्त करें, वह शिक्षकों का स्वागत करेंगे। स्थिति सामान्य होने के बाद सरकार नियोजित शिक्षकों के वेतन में यथासंभव बढ़ोतरी करेगी, उनकी अन्य मांगों पर विचार करेगी। इस बीच शिक्षा मंत्री श्री वर्मा की पहल पर शिक्षा विभाग उन संभावनाओं को तलाश रहा है जिसके तहत आपदा की वर्तमान स्थिति में बिना किसी टेबल वार्ता के हड़ताल समाप्त हो सके। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रजनंदन शर्मा तथा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह द्वारा शिक्षा मंत्री को दिए गए अलग अलग पत्र में शिक्षकों की मांगों की पूर्ति करते हुए कोरोना से बचाव को लेकर उत्पन्न आपदा की स्थिति के मद्देनजर हड़ताल समाप्त कराने के लिए वार्ता की तिथि व समय तय हो। उल्लेखनीय है कि नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने की मुख्य मांग को लेकर लाखों शिक्षक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जबकि राज्य के 5000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के तकरीबन 40,000 शिक्षक 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की मांगों में नियोजित शिक्षकों को समान सेवा शर्त, सरकारी श्रमिक की दर्जा, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष, सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद का सृजन, पदस्थापन, पुरानी पेंशन योजना, नियोजित शिक्षकों को भविष्य निधि व ग्रुप बीमा तथा टीएटी उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विसंगतियों को निराकरण भी शामिल है। दूसरी ओर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों के में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसित वेतनमान के लेवल 7 एवं लेवल 8 जो क्रमशः 44,900 एवं 47,600 का कार्यान्वयन, वर्तमान में लागू विसंगतिपूर्ण वेतनमान को निरस्त किया जाना, सेवा शर्त ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा की निरंतरता, भविष्य निधि, पेंशन निधि, 10, 20, 30 वर्ष की पुण्यति का लाभ, प्रधानाध्यापक पद नियुक्ति पुण्यति एवं ईपीएफ की सुविधा, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाना, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के लिए समान सेवा शर्त प्रबंधन की नीति का निर्धारण, अध्ययन अवकाश के लिए 7 वर्ष की शर्त को शिथिल करते हुए नियोजनवाद समाप्त करना शामिल है। इधर हम यह भी बताते चले कि सरकारी शिक्षकों की डेढ़ मार्च से भी लंबी हड़ताल अब अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। कोरोना के चलते शिक्षक अपने दायित्वों के निर्वहन को काम पर लौट सकते हैं। शिक्षक संगठनों में मंथन आरंभ हो गया है, उन्होंने सकारात्मक रुख भी दिखाया है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग भी काम पर लौटने के बाद उनके स्वागत को तैयार दिख रहा है। हड़ताल टूटने पर शिक्षकों पर इस दरमियान हुई कार्रवाई भी वापस लेने के संकेत हैं। हड़ताल को लेकर शिक्षक संगठनों और शिक्षा विभाग के बीच संवाद आरंभ हो गया है। अब तक मीडिया में दोनों ओर से वार्ता को लेकर बयान दिए जा रहे थे पर पहल नहीं हो रही थी। विदित हो के बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 3.5 लाख से अधिक शिक्षक, नियोजित शिक्षक समान वेतन, सेवा शर्त व अन्य मांगों को लेकर 17 फरवरी से हड़ताल पर। वहीं माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर वेतन विसंगति दूर करने व नियोजित शिक्षकों के समर्थन में करीब 40,000 माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक 25 फरवरी से हड़ताल पर हैं। इस बीच कोरोना को लेकर लॉकडाउन की वजह से हड़ताल से जुड़ी कोई गतिविधि शिक्षक संगठन नहीं कर पा रहे हैं। हड़ताली शिक्षकों को वेतन बंद कर देने से इस दौर में शिक्षकों के परिवार का बुरा हाल है। हड़ताल का नेतृत्व कर रहे 2 प्रमुख संगठनों ने सरकार को वार्ता की पेशकश की है। बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रजनंदन शर्मा व बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने वार्ता के लिए समय निर्धारित करने को शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा को पत्र लिखा है। मंत्री ने कहा कि शिक्षक हड़ताल से वापस आए,
ये गुजारिश तो वे लंबे समय से कर रहे हैं। काम पर लौटेंगे तो हम स्वागत करेंगे। सवाल वार्ता का है तो लॉकडाउन में यह कैसे संभव होगा, इसके लेकर वे विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन से परामर्श करेंगे। जल्द ही इस दिशा में शिक्षा विभाग की ओर से सकारात्मक पहल दिखेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नियोजित शिक्षकों का हड़ताल किस परिस्थिति में टूटता है, कैसे टूटता है, शिक्षा मंत्री किस तरह के पहल करते हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा कब यह पहल किया जाता है और कब हड़ताल टूटता है, यह बड़ा दिलचस्प होगा। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह खबर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।